हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हमारा शूट का दूसरा दिन और हम रेडी हो चुके हैं, मैं और सुंदर सी लड़कियाँ। ये सुंदर सी लड़कियाँ हैं। हाय बोलो सब मेरे व्लॉग में। हाय बोलो। कैसे आप लोग? बस बताना आप लोग कैसे हो, कमेंट्स में बताना। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं शूट के लिए और हम लोग जा रहे हैं। उधर पे हमारी गाड़ी भी खड़ी हो रखी है और एक गाड़ी और है, तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है। आज का व्लॉग दिखाते हैं आपको, बाकी मैं सबका इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ओके, आपका नाम? दीदिका। इसका नाम नेहा है, बता देती हूँ। आपका नाम? हेलो गाइस, माय नेम इज दिव्या। दिव्या। आपका? मेरा नाम नीतू। मेरा नाम खुशी। और ये सब बागेश्वर से ही हैं और ये ग्वालदम से हैं। हम भी कुछ। एक बिजी है लड़की उधर थोड़ा सा। ये हमारे डायरेक्टर सर आ रहे हैं, अजय भारती जी। और ये हमारे मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट आशीष भाई। और कल जहाँ थे उधर ही आज भी रुके हुए हैं। बाकी यहाँ से सामने का नजारा देखो आप, खूबसूरत से खेत। और ये हैं प्रेम बीज जी, हमारे क्या हैं, डायरेक्टर सर है, वो कोरियोग्राफर थे। क्या नाम है? अजय भारती जी का, अजय भारती जी कोरियोग्राफर। और ये देखो ये रास्ता है, ये जा रहा है बैजनाथ झील को। और अभी हम लोग वैसे गरुड़ में हैं, बैजनाथ झील से थोड़ा आगे गरुड़ में पड़ता है ये। तो लड़कियों की कॉफ़ी आ गई भैया, कॉफ़ी पियेंगे उसके बाद चलेंगे और चलते हैं। जॉब प्रमोट कर लो, बहुत सारे लोग हैं आने वाले। तो जो भैया बोले उसे बोल दो, बहन की पता है कैसे बोलते हैं? भाई इधर आ जाओ, जो लड़के हैं इधर आ जाओ। भैया थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप। देखो देखो भैया, रेडी म्यूजिक सब। तो अभी मैं नाश्ता कर लिया है, कैसा लगा नाश्ता कल के अकॉर्डिंग? अच्छा, लेके भी जा रहे हैं क्या? बताऊं, बहुत अच्छा लेके भी जा रहे हैं। मैंने पैक भी करा रखा है, कल नाश्ता ही खाऊंगा। आपको नाश्ता कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा। बाय गाइस। पैर मत रख, वो टेंट है क्या? टेंट है, यस। चाय के बगान पे आए हैं, आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो चाय के बगान। आंटी कदू लंबा चुया के आंटी बुला रहे हो? तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं धान की रोपाई वाले खेत में और मैं चली भी गई हूँ। देखो सबसे फ्रंट पे खड़ी हूँ अपनी छाता पकड़ करके, क्योंकि मुझे जाने की बहुत जल्दी हो रखी थी, क्योंकि व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये वीडियो जो है ऊपर से बनाई है, तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर है। और रोपाई लगते हुए खेत आपको पता है कितने खूबसूरत लगते हैं। और बागेश्वर में जिधर साइड हम गए थे ना, गरुड़ साइड, इस साइड सभी जगह लोग रोपाई कर रहे थे, क्योंकि ये टाइम है धान की रोपाई का। और आप लोग देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है और कितनी खूबसूरती से सारे लोग काम करके कितने प्यारे तरीके से धान की रोपाई लगाई जाती है, जिससे खूबसूरत खेत और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और नीचे से नदी से पाइप लगाया हुआ था, जिससे धान की रोपाई में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ना। तो गाइस हम आ चुके हैं सुंदर लोकेशन में, ये है हमारी भावना जी लोकेशन में जाते जाते हुए। हाँ, गिर ना जाऊँ मैं तो। ये देखिए यहाँ का माहौल, ये हमारी प्यारी प्यारी सुंदर यहाँ की आर्टिस्ट, तो आप देख सकते हैं। ये है हमारे डायरेक्टर साहब गाने के। तो देखिए दोस्तों हमारे पहाड़ की सुंदर और खूबसूरत माहौल, ये देखो हमारा पहला। तो ये देखिए यहाँ पे काम करते हुए लोग, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, सुंदर लग रहा है ना। वाह, क्या बोलना चाहेंगे आप भावना जी? बहुत अच्छा लग रहा है, वाह कितना सुंदर लग रहा है। और जो लोग काम कर रहे हैं ना बीचों बीच में, और ज्यादा अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। देखो तो भावना भी ऐसी काम करती थी,
जो नॉन पहाड़ी है उनको मैं बता दूँ कि ये भी रोपाई लगा रहे हैं। धान है ना ये? हाँ, धान की रोपाई लग रही है। राजो यार, धान की खूबसूरती से लगाए जाते हैं ना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मतलब ऐसे हर एक के बीच में बराबर बराबर डिस्टेंस दिखेगा, और कितनी खूबसूरती से धान लगाते हैं दो तीन लोग मिलके। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है मौसम के साथ, ऐसे खूबसूरत खेत। उसमें हमारी खूबसूरत लड़कियां देखो, गगरी लेके जा रही हैं। सबसे स्मार्ट डीओपी दीपक रावत, उत्तराखंड के खूबसूरत डीओपी। सब हैंडसम होते हैं, ये खूबसूरत है। अब ऐसे पीछे को भत्त गिर जाओ कीचड़ में, कीचड़ में कमल खिलाए गएंगे। फिर मुझे तो यहीं पर रहना, क्या रहते हैं आप? लेके वो थोड़ी देर बाहर नहीं जाएगी। अरे आओ, सुंदर कैसे मुझे बताओ। और दूर दूर तक यहाँ पे खेतों के बीच में कोई मकान नहीं है, खेत ही खेत है। देखो ये तो मतलब कितना अल्टीमेट लग रहा है ना, पूरा खूबसूरती तो यही है भैया। मैं कल भी गई थी, इधर ही है इनका कुछ ऐसा है। प्यारा चलने वाला, धान की रोपाई लग रही है गाइस। ये देखो चलने वाला, ये चल रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में सब लोग धान रोप रहे हैं। डांस कर रहे हो, कॉम्पैक्ट बजा, क्या दिक्कत है? फेसबुक। ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत सा चाय का बागान है, और ये जहाँ हम रुके हुए थे उसके थोड़ा ही आगे पर था, और ये खेत काफ़ी ज़्यादा लंबा था। और यहाँ पे जो दादी बैठी हुई हैं ये इस खेत की रखवाली कर रही थी, और जो हमारे दीपक भैया है वो देखने जा रहे हैं कि हम कहाँ पे शॉट लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत चाय का बागान है, और बागेश्वर में, कौसानी में, गरुड़ में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चाय के बागान मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे को हमारा चल रहा है टेक और शॉर्ट जो है, मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो यहाँ पे से प्रियंका वीडियो बना रही है, बाकी वॉइस ओवर हमारा है। और मैं खुद से इतनी वीडियो बना नहीं पाती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ, तो मेरी छोटी छोटी क्लिप्स ये लोग बना देते हैं। बाकी हम लोग शॉर्ट के लिए बैठे हुए हैं, और एक शॉट हम लोग ने कम से कम 6 से 7 बार करना पड़ता है, और कभी कभी गलत हो जाता है तो 10 से 20 बार भी हो जाता है। तो इस वजह से नीचे वहाँ पे लड़कियाँ वहाँ पे चल रही हैं, कभी उनका चलना गलत हो जाता है, कभी हमारा कुछ गलती हो जाती है, तो हम बहुत बार इसको रीटेक करते हैं। इस वजह से हमें शूट में इतना टाइम लगता है। दोस्तों ये देखो भात, और ये देखो भात बांटने वाली, भात कितना टेस्टी होगा, ऐसा भी कह सकते हैं सर आप। देखे 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 बदनाम नहीं कर रहा हूँ मैं तो, नहीं आपकी आवाज अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी सर आपकी आवाज। ये सर की आवाज बहुत अच्छी है, भैया बोला ना मैंने मना कर दिया बोलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा था हमारा शॉट, और ये लास्ट शॉट था, लेकिन इसके बाद मेरे साथ जो हादसा होता है ना, अभी तो देखो मैं खुल करके कैसे डांस कर रही हूँ मस्त तरीके से, और थोड़ी देर में मेरे साथ एक हादसा होता है कि यहाँ पे आ जाती है मधुमक्खी और वो मेरे हाथ में काट लेती है, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी हीरोइन को किसी, किसने काटा? मधुमक्खी ने काट दिया है, तो इनके हाथ में लग चुकी है चोट, जिस पे हमने लगा दिया क्या, प्रेम सर ने आयुर्वेदिक औषधि लगा दी है कालो खेड़। तो आप देख सकते हैं बेचारी बहुत रोई, हाथ मत लगा, सूजने लगा सर, वो कुछ ठंड कुछ खट्टा चाहिए पता है, पहले दिन अच्छा लगेगा। तो गाइस हम शूट आ चुके हैं, हमारा लास्ट पैकअप का टाइम है, तो हमें पैकअप के दौरान आ चुके हैं। ये हमारे डॉक्टर सर, गुलाब जल भी तो होगा।